जो भी है सामना तो करना तो पड़े रहे हैं और उसके आगे भी करूँगी। दिक्कतें तो बहुत है, बहुत कुछ दिक्कतें हैं मेरी जिंदगी में जो मैं किसी को बोल नहीं सकती। जो भी मैंने अभी मैंने किया है तो मुझे ही कहना है और बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी। दिक्कतें तो बहुत है लेकिन हार नहीं मानूंगी। Like us, and each of us can be part of the change. So thank you so much, Anilji. You know, we're here celebrating courage, but I'd really like to celebrate Anilji's heart, because Anilji has come forward with so much heart, continuously, for every single cause. His time, his energy, his money, he goes out of his way. He has so much heart. So thank you, Anilji, for the heart that you have, to applaud everybody for their courage as well. So thank you very much. Thank you.
दिया है, अब मुझे थोड़ा रिटर्न करना चाहिए समाज को। अगर कुछ रास्ता समझ में ना रहा हो तो अनिल बुरारका के साथ खड़े हो जाइए और वहां से सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो मैं अच्छी अच्छी बातें और जो हम लोग मिलानी है आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग समय दे रहे हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट लोग आए हुए हैं। आभा जी हों, हमारे दोस्त हों, शिशि जी हों, हमारे त्रिपाठी जी हों, मैडम हों, आप हों, सारे लोग। तो यहाँ से जब जाएं तो कुछ प्रण करके जाएं, कुछ यहाँ से सीख लेके जाएं कि अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जियेंगे, औरों के लिए भी जियेंगे, औरों को भी वक्त देंगे और तन मन धन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनके साथ खड़े रहेंगे। इसी बारे में दर्शन का तो हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। मेरा ये मानना है जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। लेकिन कॉमेडी, मैं मानता हूं कि कॉमेडी
जनरेट की होगी, उसके बाद जाके एक नेशनल लेवल पे अपने लिए एक ऐसी जगह बना देना कि सब लोग आज उसकी प्रेज करते हैं, हम लोग ताली मारते हैं, हमें खुशी हो रही है इस बात की, तो ये कमाल अचीवमेंट है। मुझे बेहद खुशी है, हमेशा होती है जब भी मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलता है। इनसे मैं सीख के ही जाने वाला हूँ। हम लोग अपनी छोटी सी नाकामयाबी पे परेशान हो जाते हैं, कमियां ढूंढते हैं क्या हो गया, तो मुझे लगता है कि हमें तो इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह ये इनपे वो सच की बात, वो जो लाइन है ना, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर चलता गया कारवां बन, ये वो लोग हैं जिन्होंने कारवां बनाया, ये एक्चुअल जेन्युइन लोग हैं। तो मेरी दिल से इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाई आपने जो अचीव आज किया है वो आप उसमें आप अकेले नहीं हो, आपको मालूम भी नहीं कितने लोगों को आप सिखा रहे हो आज, तो कमाल का ये शूरवीर अवार्ड है। तो ऐसे कंटिन्यू रहने चाहिए और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं जिस तरह भी हो सके मैं वहाँ मौजूद रहूँ, उनके साथ रहूँ, ऐसे मौके पर उतनी कोशिश रहेगी। देखो सबसे बड़ी होती है आपके अंदर विल, हम सबको एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है, हम पूरे सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं कहीं अपने आप को कमजोर पाता हूँ, तो ये बड़ी अजीब बात है। और इनके पास क्या है, इन्होंने तो अपने अंदर पैदा किया है ना, तो इनसे वो चीज़ सीखने वाली है कि आप डरिए मत, अपने अंदर चाहे तो वो शक्ति पा सकते हैं, वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से और लगन से, ये कमाल की सीख है। इसको लाने का मकसद यहाँ था, इसकी कल फिल्म रिलीज हो रही है खुले आसमान की, और पहली फिल्म जो एयरफोर्स के ऊपर बेस है, जो एक ट्रू पायलट की कहानी है, जो पाकिस्तान में क्रैश हुआ था प्लेन, वहाँ से एस्केप किए थे 3 पायलट। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए लाया था कि एक वो कहानी जो उसमें इसने रोल प्ले किया है एक ऐसे पायलट का जो पाकिस्तान से निकल के आता है, और आज इसको मैं ये दिखाना चाहता था कि एक्चुअल एक वो पायलट था, और आज तुम देखोगे कितने सारे इंसान यहाँ तुम्हें आज देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई, तो मकसद आप ये बताएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं भरपूर है, हर एक आदमी की अपनी कहानी है, हर एक आदमी की अपनी स्ट्रगल है, जिससे जिसके बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो कितना कुछ सीखने के लिए समझने के लिए है। एंड उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन। इन लोगों ने कंटिन्यूसली वो एफर्ट किया है, कंटिन्यूसली काम करते रहे हैं अपने गोल की तरफ, विच इज़ हमारे पास सब कुछ होके भी हम लोग मायूस हो जाते हैं, जो विच इज़ सो इंस्पिरेशनल टू लर्न फ्रॉम देम। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर, क्योंकि सबकी स्टोरी देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सब मेरे पास के भी नहीं कर पा रहा हूँ जो ये लोग हंसते हुए कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम टुडे, एंड आई विल ट्राई एंड बी एसोसिएटेड विद इट इन व्हाटएवर पॉसिबल वे आई कैन। सेकेंडली है हमारी मूवी कल जो रिलीज़ हो रही है, इट्स द स्टोरी ऑफ अ पायलट हु स्टिल अलाइव एंड ही एस्केप फ्रॉम 1971 फ्रॉम पाकिस्तान, विच इज़ सिमिलर, क्योंकि उसमें भी डिटर्मिनेशन की ही बात है, इंस्पिरेशन की ही बात है हमारे एयरफोर्स और हमारी आर्मी के बारे में है। सो आई होप यू ऑल गो एंड वॉच इट एंड प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग दिस कॉज। मैं अनिल मोरारका जी को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। मैं उनको जब जब मिला हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सोशल कॉज कर रहे होते हैं। उस दिन हम दोनों एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, वहाँ भी अनिल किसी हैंडीकैप लोगों को लेके आए हुए थे, रिसीव करने आए हुए थे, तो कमाल का इंसान है। मेरी दिल से अनिल को मुबारक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आज जो अवार्ड हुआ भारत प्रेरणा अवार्ड शूरवीर अवार्ड, आप यहाँ पर हाजिर हैं, क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी है यार, मैं लास्ट ईयर भी इनके प्रोग्राम में आया था, और इनके प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इस तरह के इंसानों को, मैं इंसान कहूँ, इस तरह के इंसानों को यहाँ बुलाते हैं जिनके पास कट्स हैं, जिनकी विल एकदम स्ट्रांग है, और जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी कुछ बनाया है अपने आप को। तो ये एक खूबी है इन अवार्ड्स की, और जेन्युइन लोग जो होने चाहिए ऐसे स्टेज के ऊपर उनको बुलाया जाता है हिंदुस्तान से। ये मुझे सबसे बड़ी खूबी लगती है इस अवार्ड की, और इनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो जिसमें तो फिजिकली फिट
नहीं है, एक तो वो ऊपर वाले का उनके ऊपर रहता है, दूसरा शायद फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं, उसमें से अपने आप को स्ट्रांग विल करना, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना कि हम कुछ कर सकते हैं और इस लेवल का करके दिखाना कि तो आज देश देख रहा हूँ। आज दिल से उनके लिए मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं कि आपने अपने लिए तो किया ही किया, लेकिन अब दुनिया के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल हो आप लोग। तो मुझे इस अवार्ड की सबसे बड़ी खूबी यही लगती है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने हकीकत में अच्छा काम किया है और हम सारी सोसाइटी को एक नया रास्ता दिखा सके हैं, और उसका इसीलिए मैं आज अपने बेटे राघव ऋषि को भी यहाँ लाया हूँ। इसकी कल फिल्म रिलीज हो रही है खुले आसमान की ओर, जिसमें इसने एक पायलट का रोल किया है जो सेवन वॉर में क्रैश होते हैं पाकिस्तान में, और उन्हीं की कहानी लिखी हुई है। आज भी तंदुरुस्त हैं, वो पूना में रहते हैं, उनका नाम है वाइट लेफ्टिनेंट दलित पारोलकर, उसका रोल निभाया है इसने। तो मैं चाहता था कि जो कहानी जब उनसे हम मिले थे, ये भी मिला था तो बहुत प्रेरित हुआ था, बहुत खुश हुआ था, तो मैं चाहता था कि ऐसे मौके पे ऐसे इंसानों के दर्शन भी इसको करने चाहिए जिन्होंने कहाँ से उठकर सोसाइटी में इतना बड़ा नाम बनाया है। तो यही मेरा था कि तुम मेरे साथ चलो, देखो ऐसे इंसानों तुम्हें भी इनकरेज करेंगे ज़िंदगी में, हम क्या नहीं कर सकते, हमें रब ने बहुत कुछ दिया है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे मैं कहूँगा कि ये बताए इसने क्या सबसे अच्छी बात है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, और आपको एज एन आउटसाइडर बैठ के देखने मिलता है कि हाउ एवरीबडी कम्स अप विद सॉल्यूशंस, क्योंकि एंड प्रॉब्लम सबके पास है, सॉल्यूशन निकालने का ही मेन इशू होता है। एंड वही मुझे आज सीखने को मिला है, और कितना ये बात कितनी अच्छी है कि ये लोग हंस के सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर लेते हैं, आपकी काफ़ी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं। सो व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू लाफ, एंड दे आर एज इट इज, दे हैव सम ऑफ द अदर इशू जो दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय देम, लोगों को भगवान से वैसा मिला है, उसके बावजूद उनको ये हमें सीखने को मिलता है कि दे आर स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड हैप्पी अबाउट इट, एंड वहीं उनकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती जो मुझे आज समझ और सीखने को मिला है। दूसरी बात है, हमने जो मूवी की है द ग्रेट इंडियन एस्केप खुले आसमान की ओर, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पायलट हु एस्केप्ड द पाकिस्तान प्रिजन इन 1971, और उसमें और यहाँ पे आज यही सिमिलैरिटी है और यही सेम है कि उसका भी डिटर्मिनेशन था और आज इनका भी डिटर्मिनेशन है जो इनको यहाँ तक लेके आया, ये मंच पर लेके आया। और अनिल जी को मैं सल्यूट करूँगा, क्योंकि हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, वो हैं जो इनके बारे में सोच रहे हैं, और आई ब्लेस हिम एंड आई होप दैट ही कंटिन्यूज डूइंग दिस एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरी तरफ से भी मुरारकर जी को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनिल जी बहुत अच्छा काम करते हो और मैं दिल से आपके साथ हूँ, जब भी आप मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी हम लोग आपके साथ में हैं, और खुशी होती है इस तरह का हिस्सा बन के, इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बन के, जहाँ हम भी कुछ घर लेके जाते हैं और वो इंसान जो हमें देख के कुछ उनको लगता होगा लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनसे मैंने कितना कुछ सीखा है, इसने कितना कुछ सीखा है। सो मैं सबसे कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स का ज़रूर हिस्सा बनो, हम बहुत सी ऐसी जगह जाते हैं ना भी जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आने से बहुत फर्क पड़ता है, कुछ हम दे सकते हैं और बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। अपने गानों के लिए या अपने एक्टिंग के लिए अवार्ड देते हैं, बट देखिए वो तो हमारे
पर मिला कि मेरी बायोपिक भी बनी और मुझे CCFA अवार्ड भी मिला, क्रिएटिव चॉइस फिल्म अवार्ड भी मिला है और आज सुरवीर अवार्ड मिला है बहादुरी का। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज लोग इन चीज़ों को पहचानने लगे जो पर्दे के पीछे उनको सामने लाने लगे हैं। और डॉक्टर अनिल ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज तक किसी ने इन चीज़ों को सोचा नहीं था और ये चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ पर्दे पे दिखने वालों को ही सराहा नहीं जाना चाहिए, जो पर्दे के पीछे इतनी मेहनत करते हैं और इतना जदोजहद करके अपनी फैमिली के लिए दूसरों के लिए इतना सब करते हैं। वो पहले गुमनाम थे, आज उनको नाम मिलने लगा और इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हो सकती है कि गुमनाम लोगों को आज नाम मिल रहा है। जी
का मैं वाक्य बताऊं, पिछले दिनों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि लालू की तो बहुत उड़ाते हो, मुलायम की बहुत उड़ाते हो, मेरी करते हो कि नहीं। तो मैं बोला सर अगर आपकी नहीं करेंगे मिमिक्री या आपको कोई मजाक नहीं करेंगे तो हमारा शो कंप्लीट नहीं होता है, अधूरा सा लगता है। और अगर आपकी मिमिक्री नहीं करेंगे तो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं क्यों जो आदमी पावरफुल है उसकी करने में इसलिए सर आपकी भी करनी पड़ती है। बोले क्या? बोले सर मैंने एक दिन पूछा तमें गुजराती मानस छो पण एटला सरस हिंदी बोलो छो। तो मोदी जी बोले राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची, चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया। हमें सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे मुंबई में लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए। निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ इतना मतलब कि हम मुंबई आए थे तो कुछ नहीं था, काम ढूंढते थे, बेरोजगार थे या टैक्सी चलाते थे, किसी का ऑफिस में काम करते थे, आज खुद मालिक बन के बैठे, तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो आपका फर्ज है कि थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा सा वक्त निकालिए, धन भी निकालिए और अब लोगों की मदद करें, है ना, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी जिसकी जितनी कैपेसिटी हो ऐसे काम में आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है खुद के लिए तो जानवर जीते हैं, जानवर अपना पेट खुद भर लेते हैं, आप जब खाएं देखने वाला सामने वाले के लिए भी ऑफर करें, ये आपसे निवेदन है। अगर आपको ये काम करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कॉन्टेक्ट करना चाहिए, तो बेस्ट है एम्पल मिशन के अनिल मुरारका से मिले। बाय भाई, हर चीज़ कोई मकसद के लिए नहीं होती। एक जहन में ख्याल था कि भाई अपने देश में अपने वतन में इतना कुछ है लेकिन उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिल पाता है। मैं नहीं बोलता कि प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन सबको वो रीच नहीं है प्रॉपर। तो ऐसे ही हम ऐसे ही वन फाइन डे बैठे थे आज के कुछ 7 साल पहले, तो सोचा भाई क्यों नहीं कुछ नया किया जाए। इस तरीके से इन अवार्ड शोज का निर्माण हुआ। आपने कहा शूरवीर अवार्ड्स, यस द शूरवीर अवार्ड्स, आज वो 5वां एडिशन था। हर एडिशन में हर साल हम 15 से 16 उन सितारों को ढूंढते हैं पैन इंडिया जिनके ऊपर हम कुछ बना पाते हैं एवीज, और उनके बारे में जहां को बताना ज़रूरी है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए इट गोज अननोटिस्ड। This was a thought behind the Shuri Award. As I said, it's an award show for a common man who has done something uncommon but has gone unnoticed. We talk about Bharat Prerna Awards. Bharat Prerna Awards is an award show for the specially abled. Aap un log unko physically challenged bolte hain, what not. Lekin Team Ample Mission ne ek naya thought diya ki unko naam diya jaye the limited edition of the universe. And that's how we cultivated, we created the show. उसका आज तीसरा एडिशन था। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम इस चीज़ को अंजाम दे पा रहे हैं। आप भाइयों का सहयोग है कि वो आवाम तक आपके ज़रिए पहुंचता है, नहीं तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल अटूट सच है मेरा। सोहेल भाई, मैंने कहा एक अकेला आदमी कोई जंग नहीं लड़ सकता है, इट इज़ अ टीम वर्क। दिस यंग बबली टीम ऑफ एम्बल मिशन इज डूइंग वंडरफुल जॉब, दैट्स फॉर श्योर। आपने कहा फैमिली, आप ये मान के चलो अनिल मुरारका अगर कुछ कर पा रहा है तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कभी नहीं हो सकता। देर आर मोमेंट्स जब मेरी बीवी या मेरा बच्चा मेरे को लिटरली गाली देते हैं कि यार तुम फैमिली को टाइम कब दोगे। आप यकीन मानो, मैं ये मानता हूँ हम सबको जो 100% ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं उसको 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। 25% बिजनेस,
25% सोशल, 25% फैमिली और 25% अपने खुद के लिए। जो खुद का है ना, मैंने जो जिक्र किया वो आखिरी में ही आता है, क्योंकि जहां कोई चीज़ कमी छूट जाती है फैमिली के लिए, तो जो मैं अपनी ज़िंदगी 25% जीना चाहता हूं, उसमें से वहां कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तो आई एम थैंकफुल फॉर श्योर टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली, कि मुझे वो बेयर कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। विदाउट देयर सपोर्ट, ट्रस्ट मी, आई एम एब्सोल्युटली अ बिग ज़ीरो। ग्रेट फीलिंग। मुझे याद आता है जब मैंने बिजनेस में कदम रखा था, सीख रहा था, आई वाज टेकिंग दोज बेबी स्टेप्स। वन फाइन डे माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि बेटा, जिस दिन तुम्हारे फादर को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और सिद्धांत उस राह पे चल रहा है आज। मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि वो मैं शायद, मुझे एक सेंचुरी लग गई वो चीज़ हासिल करने में, लेकिन सिद्धांत ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुका है आज। सर, कितना डिफिकल्ट था टफ कंपटीशन बाय नरेंद्र मोदी? भाई, मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, साधारण आदमी हूँ। आप लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, आप लोगों के साथ ही रहता हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट वॉट यू आर डूइंग वेयरिंग और वॉट यू आर टेकिंग फॉरवर्ड, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू आर डूइंग फॉर सोसाइटी। दैट्स बेसिकली दैट थॉट विच टेक्स द फैमिली फॉरवर्ड। अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है, मैंने कभी ये कैमरे के सामने कभी डिस्कस नहीं किया। डेफिनेटली हम कुछ करते हैं, क्योंकि एक उनको यहाँ पे एक सम्मानित कर दिया, उससे कोई कारवा ख़त्म नहीं होता है। द ड्यूटी इज़ वेरी क्लियर कि उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें और पूरी कोशिश करते हैं तो उसको अंजाम दें। सर, कितना मुश्किल है ऐसे सूरवीरों को देश के अलग अलग कोने से ढूंढ के लाना? जितना मुश्किल आप लोगों को था मुझे यहाँ बैठाना, उतना ही मुश्किल इन हीरोज़ को, इन रियल हीरोज़ को, दे आर नॉट दोज रियल हीरोज़, इन रियल हीरोज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ऊपर वाले का साथ है कि अंजाम आयो हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ ऐसे डिसेबल लोग हैं जो अपना हिम्मत हार चुके, कुछ नहीं करना चाहते हैं? आपने कहा डिसेबल्ड, मैं वहीं पे डिबेट करता हूँ। उनको ये बोलिए कि वो लिमिटेड एडिशन है, धरती पैसे कितने हैं आज, उनको वो सहानुभूति नहीं चाहिए अपने से, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करें कि वो अपनी ज़िंदगी खुद आगे बढ़ा सके, खुद जी सके। भैया, मैं तो सोहेल भाई की वजह से ही आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू सोहेल भाई, आज वो आप मेरे साथ, मेरे दोस्त यार खड़े हैं, वो भी उनकी बदौलत खड़े हैं। आई एम रियली इंडेप्टेड टू देम। सोहेल भाई, मैं कहता आया हूँ, आवाम अनिल मुरारका की बात नहीं सुनेगी, लेकिन जब एक बॉलीवुड का फनकार कुछ अपील करता है, इट हिट्स द मासेस। दैट्स व्हाई आई एम इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ देम, दे हैव कम फॉरवर्ड फॉर सच कॉजेस। इस कंपनी का नाम है एम्पल मिशन। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोच ये है कि देश में तकलीफें ही बहुत है। मैं नहीं बोलता कि भाई हम एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, वी हैव ट्राइड टू वर्क टूवर्ड्स डिफरेंट मल्टीपल थॉट्स, और वही चीज़ आगे भी लेके बढ़ते रहेंगे। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू वन कॉज, वॉट एवर कम्स विद इन आवर पेरिफेरी, यस वी स्टैंड कमिटेड, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच। We'll be right back.